ऑटोमोबाइल की जानकारी पाने के लिए क्लिक कर दीजिए इस लाल कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को, और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर दीजिए नोटिफिकेशंस को सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चेतन भोला और आप देख रहे हैं YouTube चैनल भोला मैकटेक। जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है बहुत ही इनोवेटिव, बहुत ही अच्छा टॉपिक जिससे कि आप एक टर्बो लैग को कम कर सकते हैं, वो है वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बो। तो इस वीडियो में हम सबको जानेंगे कि वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बो होता क्या है, कैसे हम टर्बो लैग को कम कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरी टर्बो चार्जर और टर्बो लैग वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उस वीडियो को जल्दी से जल्दी पहले देख लीजिए, जिससे कि आपको ये टॉपिक और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। मैं उन वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर यहाँ पे आई साइन के पास दे दूंगा, आप उधर से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ अभी तक, तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो शुरुआत करते हैं कन्वेंशनल टर्बो चार्जर से। ये देख रहे हैं आप कन्वेंशनल टर्बो चार्जर है जिसमें एस्पेक्ट रेशियो फिक्स्ड होता है। एस्पेक्ट रेशियो फिक्स का मतलब जिसकी ज्योमेट्री सेम है वो चेंज नहीं हो सकती, बस उसके बीच में टर्बाइन ब्लेड घूमता है। इसका मतलब एस्पेक्ट रेशियो होता क्या है कि किसी भी ज्योमेट्री के किसी भी पोर्शन का रेशियो, जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ कि अगर यहाँ पे एरिया A1 और यहाँ पे एरिया A2 है, तो इसमें एरिया A1 और A2 फिक्स रहेंगे, इन दोनों का रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है। तो एस्पेक्ट रेशियो फिक्स होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर आपकी एग्जॉस्ट गैसेस धीरे वेलोसिटी पे आ रही हैं तो उसका एक फिक्स्ड रेशियो तक ही आप उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, चाहे वो टर्बाइन ब्लेड को घुमाए चाहे ना घुमाए। और अगर आपकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है तो आपका बैक प्रेशर जनरेट होता चला जाएगा, आप उसकी वेलोसिटी को या फिर उसके प्रेशर को कम करने के लिए यहाँ पे इसकी एरिया को नहीं बढ़ा सकते, ये भी प्रॉब्लम है इसमें। तो ये आप किसी भी गाड़ी में या तो बहुत ज़्यादा छोटा या तो बहुत ज़्यादा बड़ा आप टर्बो चार्जर नहीं लगा सकते। अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ा टर्बो चार्जर लगा देंगे तो बैक प्रेशर तो कम हो जाएगा, लेकिन उसकी वजह से जो यहाँ पे जो आपको रोटेशन चाहिए, जो वेलोसिटी आपके हाई वेलोसिटी से मिलने वाला है टर्बाइन ब्लेड को लोअर आरपीएम पे, वो नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो दोनों का काम कर सके। मैं एक और तरीके से समझाना चाहूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एरिया बड़ा है और यहाँ पे जाते जाते एरिया छोटा हो रहा है। इसको देखेंगे तो यहाँ पे एरिया ज़्यादा बड़ा है और यहाँ पे जाते जाते एरिया इतना ज़्यादा छोटा नहीं हो रहा है। तो अगर मेरी मान लीजिए एग्जॉस्ट गैसेस बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है, कम एग्जॉस्ट गैसेस आ रही है और मैंने उसको इस डक्ट के थ्रू पास कराया, तो क्या होगा कि कुछ यहाँ से एयर आ रही है एग्जॉस्ट गैसेस की, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एरिया कम होने की वजह से बहुत ज़्यादा वेलोसिटी हाइक होगी उसके अंदर। जब वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाइक होगी तो जब वो टर्बाइन ब्लेड पे इंपल्स डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा होगा। तो जब वो टर्बाइन ब्लेड पे बहुत ज़्यादा इंपल्स डालेंगे तो जिसकी वजह से क्या होगा, टर्बाइन ब्लेड घूमने लग जाएगा और आपका टर्बो चार्जर एक्टिव हो जाएगा। तो लोअर आरपीएम पे अगर आप छोटा टर्बो चार्जर लगाएंगे तो आपका टर्बो चार्जर काम कर देगा, लेकिन जब हायर आरपीएम जाती है तो एग्जॉस्ट गैसेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, उस टाइम पे अगर आप ये वाला टर्बो चार्जर लगा के रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे बैक प्रेशर बहुत ज़्यादा जनरेट होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा एग्जॉस्ट गैसेस आ रही है उतनी ज़्यादा निकल नहीं पा रही रिस्ट्रिक्शन की वजह से, तो इसलिए निकल नहीं पाएंगी वो चीज़ें, तो उस वजह से यहाँ पे आपका इतना ज़्यादा वो हो नहीं सकता है, तो मतलब टर्बाइन ब्लेड घूम नहीं पाएगा, और मतलब टर्बाइन ब्लेड तो घूम देगा लेकिन बैक प्रेशर बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाएगा। अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पे अगर हम लो आरपीएम पे बात करें तो यहाँ से जो ऑक्सीजन, यहाँ से जो एग्जॉस्ट गैसेस निकल रही होंगी उनमें रिडक्शन इतना ज़्यादा नहीं होगा, इसकी वजह से वेलोसिटी वो इतनी ज़्यादा गेन नहीं कर पाएंगी, वो इतनी ज़्यादा इंपल्स नहीं डाल पाएंगे टर्बाइन ब्लेड पे, जिसकी वजह से टर्बाइन ब्लेड नहीं घूम पाएगा। तो एक जब तक एक सर्टेन लिमिट नहीं आ जाएगी उसके बाद ही टर्बाइन ब्लेड घूमना शुरू करेगा, उसके बाद आपका ये जो टर्बो चार्जर है उसके बाद वो एक्टिव होगा। तो ये होता है टर्बो लैग। टर्बो लैग की वीडियो प्लीज़ देख लीजिए, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया टर्बो लैग होता क्या है और क्यों 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 किस किस रीज़न से हो सकता है। तो ज़रूरत थी कुछ ऐसी इनोवेशन की जिससे कि एक ही टर्बो चार्जर ऐसे काम करेगी, एक स्मॉलर टर्बो चार्जर का भी काम कर जाए, एक बड़े टर्बो चार्जर का भी काम कर जाए। इसका मतलब जब मेरा आरपीएम कम है तो उसका जो डक्ट का साइज़ है वो कम हो जाए जिससे कि मुझे हाई वेलोसिटी मिल जाए, और जब मेरा आरपीएम ज़्यादा है तो मेरा डक्ट का साइज़ बड़ा हो जाए जिससे कि मेरे जो गैसेस हैं वो आराम से निकल जाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है वेरिएबल ज्योमेट्री। तो यहाँ पे आप जो ये चीज़ जो आपको दिख रही है वो है वेन्स। जो ये वेन्स हैं ये खुल और बंद हो सकती हैं। यहाँ पे कुछ एक मैकेनिज्म है जो अभी इस वीडियो में आगे बताऊंगा। इसमें क्या है कि ये जो वेन्स हैं वो खुल सकती हैं और बंद हो सकती हैं। जब ये वेन्स खुल जाएंगी तो इसका एरिया बड़ा हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे जब वेन्स खुल गई तो इन दोनों के बीच में गैप बढ़ गया, और जो इसके बीच में है यहाँ पे जो ये चीज़ है वो है टर्बाइन ब्लेड। तो क्या होगा, जैसे ही आपकी जो गैसेज आ रही हैं, यहाँ से जो गैसेज आ रही हैं वो घूमते हुए इसके अंदर टर्बाइन ब्लेड के पास जाएंगी। जब ये वेन्स के पास जब जाएंगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे जैसे एरिया कम होगा तो वेलोसिटी उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी उस हिसाब से आपका लोअर आरपीएम पे काम कर जाएगा।
और जब मेरे को बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट गैस आ रहे तो मेरे को इसका एरिया बड़ा करना है, तो मैं इस वेंस को, ये जो वेंस मेरी ऐसी थी, मैं इस वेंस को ऐसे करके खोल दूंगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इन दोनों के बीच में गैप बढ़ गया, जिसकी वजह से जो वेलोसिटी का जो इंक्रीमेंट है वो इतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन हाँ जो गैसेज हैं वो बहुत आराम से निकल जाएंगे, और जो गैसेज के इम्पल्स की वजह से जो ये टर्बाइन ब्लेड घूमेगा वो घूम जाएगा। तो दोनों ही केस में ये वाला टर्बो चार्जर जो काम कर जाएगा। जब मेरे ज्योमेट्री छोटी चाहिए तो मैं इसको बंद कर दूंगा, वेन को छोटा कर दूंगा जिससे कि साइज कम हो जाए और हाई स्मॉल आरपीएम पे चल जाए, और जब मेरे को बड़ा चाहिए तो मैं इसको वेन को खोल दूंगा जिससे कि एरिया बढ़ जाए और मेरा हायर आरपीएम पे भी चल जाए। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो इसका मैकेनिज्म है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ से एग्जॉस्ट गैसेज आ रही है, एग्जॉस्ट गैसेज आएंगी और धीरे धीरे करके इस टर्बाइन ब्लेड की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ये वेन्स है, आप देख सकते हैं, जब ये वेन खुलेंगी तो एरिया बढ़ जाएगा और जिसकी वजह से ज्यादा एग्जॉस्ट गैस निकल सकती है, और जब ये बंद हो जाएंगी तो एरिया कम हो जाएगा जिसकी वजह से वेलोसिटी बहुत ज्यादा मिल जाएगी मुझे और मेरे टर्बाइन ब्लेड घूम जाएगा। लोअर आरपीएम पे भी टर्बाइन ब्लेड को घुमाना और हायर आरपीएम पे भी टर्बाइन ब्लेड को घुमाना है विदाउट क्रिएटिंग बैक प्रेशर। कुछ ऐसा मैकेनिज्म चाहिए था जो कि हमें वेरिएबल ज्योमेट्री से मिल जाता है। तो ये वेन्स खुलती और बंद होती कैसे वो आप देख सकते हैं इसके थ्रू। यहाँ पे एक्चुएटर है जो इस एक्चुएटर को, जो इस चीज को एक्चुएट करेगा, जब ये हल्का सा टर्न करेगा तो ये वेन खुल जाएंगे और बंद हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं जो बेरिंग होती है, आप अगर इस वाले अंदर वाले सर्कल को फिक्स कर देते हैं और मैं ऊपर वाले सर्कल को इस तरह से घुमाता हूँ, तो इसके अंदर जो रोलर्स होंगे वो अपनी एक्सिस पे रोटेट करेंगे। इस दिशा में अगर मैं इसको इस तरफ घुमाता हूँ तो ये लोग इस तरफ घूमेंगे रोटर्स। अब ये जो रोलर्स हैं, अगर मैं रोलर पे एक वेन फिक्स कर देता हूँ तो क्या होगा, जैसे मैं इसको इस तरफ रोटेट करूंगा जो वेन होगी इस रोलर के मोशन की वजह से वो इस तरह से मूव करेगी। तो और जब मैं इसको ऊपर की तरफ करूंगा तो ये जो वेन है वो इस तरह से मूव कर जाएगी। तो अब इसी मैकेनिज्म को मैं अगर इसमें फिक्स कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वेन्स लगी है, मान लीजिए इसके नीचे बेरिंग है जो आपको दिख नहीं रहा है अभी, तो जब मैं इस एक्चुएटर से उसको पुश करूंगा तो वो जो बेरिंग का ऊपर वाला केसिंग है वो इस तरह से घूम जाएगा, और इस तरह से घूमने की वजह से जो वेन्स हैं वो इस तरह से घूम जाएंगी और खुल जाएंगी, जिसकी वजह से एरिया बढ़ जाएगा और आपकी ज्यादा एक्सॉस्ट गैस निकल सकती है। तो इस तरह का कुछ मैकेनिज्म होता है इसके अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक एक्चुअल टर्बो चार्जर की फोटो है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो वेन्स है और यहाँ पे टर्बाइन ब्लेड है, एग्जॉस्ट गैसेस की केसिंग ये, आप ये जो पीछे ये केसिंग है एग्जॉस्ट गैसेस यहाँ से आ रही है और धीरे धीरे करके इस टर्बाइन ब्लेड की तरफ जाएंगी। तो जब ये वेन खोलनी होगी और जब बंद करनी होगी इन दोनों के बीच का गैप और एरिया बढ़ जाएगा, जैसे मैं समझा चुका हूँ। और ये जो बीच में आप देख सकते हैं ये जो रॉड है वो जा रही होगी नीचे बेरिंग के पास, और बेरिंग से यहाँ पे इसका एक्चुएशन होकर ये वॉल्व खुलेंगे और बंद हो जाएंगे ये वेन्स, और इस तरह से इसके कुछ मैकेनिज्म रहते हैं। मुझे लगता है काफी कुछ समझा दिया है वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बो के बारे में, क्यों जरूरत है, कैसे जरूरत है, कैसे काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है, इन सब के जवाब आपको इस वीडियो में मिल गए होंगे। यदि आपका कोई सवाल या सुझाव है तो प्लीज 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 कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर पूछे, जिससे कि मैं आपको उनका जवाब जल्दी जल्दी कर सकूँ। तो प्लीज 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 कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए, जिससे कि आपकी भी नॉलेज बढ़े, मेरी भी नॉलेज बढ़े। जब आप डाउट्स पूछते हैं तो उससे मेरी भी नॉलेज बढ़ती है, क्योंकि मैं जब आपके डाउट्स के बारे में सोचता हूँ तो मुझे भी कई चीज़ें समझ में आती हैं। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियोस को देखने के लिए, यूं ही मेरी वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए। अगर आपने वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ, प्लीज़ अभी के अभी इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो हर हफ्ते लेके आता हूँ आपके लिए। तो देखते रहिए भोला मैकटेक और शेयर करते रहिए।